हेलो फ्रेंड्स, स्टाफ सेशन कमीशन एसएससी की ओर से नया और इम्पोर्टेंट नोटिस अपडेट आ गया है। और यह जो नोटिस है वह मल्टीटास्किंग नॉन टेक्निकल स्टाफ एंड हवलदार सीबीआईसी एग्जामिनेशन 2021 को लेकर के, तो इसके बारे में पूरी जानकारी मैं बताता हूँ एक एक करके कि क्या है यह इम्पोर्टेंट कोरिएंटम। यहाँ पे आप देख सकते हैं कोरिएंटम करके आया हुआ है। जो चैनल में नया हुआ चैनल को सब्सक्राइब कर ले और अपने दोस्तों को भी शेयर करें, ताकि इससे जुड़ी जो जानकारी है जो भी यहाँ पर नोटिस आया हुआ वो सब सारी चीज़ें आप लोगों को मिल जाए, अपने दोस्तों को भी मिल जाए। यहाँ पर आप देख सकते हैं कैंडिडेट्स में रिफर टू द नोटिस ऑफ द मल्टी टास्किंग नॉन टेक्निकल स्टाफ एंड हवलदार सीबीआईसी एंड सीबीएन एग्जामिनेशन 2021 पब्लिश्ड ऑन 22 मार्च 2022। तो दोस्तों यहाँ पे जो है 22 मार्च 2022 को मल्टी टास्किंग और साथ साथ हवलदार एग्जामिनेशन का नोटिस आ गया है। सारे कैंडिडेट्स इसके बारे में भी ध्यान देंगे, इसके बारे में बहुत जल्दी ही आपका फॉर्म फिलअप स्टार्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर आप लोग जो है यहाँ पर क्या चीज़ें हैं तो देखते हैं। पारा 6.1.1 एंड 6.1.2 ऑफ द नोटिस ऑफ एग्जामिनेशन में बी रीड एज फॉलोज। तो यहाँ पे जो पारा दिया हुआ है उसको आप लोगों को एग्जाम से रिलेटेड उसको सारी चीज़ों को अच्छे तरीके से पढ़ लेना है। तो यहाँ पे फॉर्म भरने से पहले आप लोग सारी चीज़ों को देख लेंगे। तो 6.1.1 में क्या है, 18 से 25 साल होना चाहिए फॉर MTS। तो MTS एग्जामिनेशन के लिए जो भी कैंडिडेट्स फॉर्म फिलअप करना चाहते हैं उनका उम्र होना चाहिए 18 से 25 साल। कैंडिडेट्स बोर्न नोट बिफोर 2/1/97 एंड नोट लेटर देन 1/1/2004। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जितने भी कैंडिडेट्स हैं जो फॉर्म फिलअप करना चाहते हैं जिनका उम्र 18 से 25 साल हो गया है, लेकिन वहाँ पे उनका जो डेट ऑफ बर्थ होगा वह 2 जनवरी 1997 से पहले का नहीं होना चाहिए, और 1/1/2004 यानी कि 1 जनवरी 2004 के बाद का डेट ऑफ बर्थ नहीं होना चाहिए। इसके बीच में जितने भी कैंडिडेट्स होंगे वो MTS के लिए फॉर्म फिलअप कर सकते हैं और उनका उम्र होना चाहिए 18 से 25 साल। तो ये जो है डेट वो आप लोग ध्यान देंगे। इसके अलावा में आप यहाँ पे देख सकते हैं 6.1.2 में 18 से 27 साल होना चाहिए MTS एग्जामिनेशन, तो यहाँ पे है ही, साथ साथ हवलदार पोस्ट के लिए भी है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कैंडिडेट्स बोर्न नोट बिफोर 2/1/1995 एंड नोट लेटर देन 1/1/2004 फॉर हवलदार इन CBIC एंड CBN डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू एंड फ्यू पोस्टेस ऑफ MTS इन वेरियस डिपार्टमेंट। तो आप यहाँ पे साफ साफ देख सकते हैं कि जिसका उम्र 18 से 27 साल का हो गया एज और उनका जो डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए वह 2 जनवरी 1995 से पहले का नहीं होना चाहिए, और साथ साथ आप यहाँ देख सकते हैं कि 1/1/2004 यानी कि 1 जनवरी 2004 के बाद का नहीं होना चाहिए। उसके बीच में जितने भी कैंडिडेट्स होंगे जिनका डेट ऑफ बर्थ होगा वे अब यहाँ पर हवलदार पोस्ट के लिए भर सकते हैं डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू जो है CBIC एंड CBN के लिए, और साथ साथ कुछ पोस्ट जो है वो MTS के लिए, MTS के वेरियस डिपार्टमेंट के लिए आप लोगों को 18 से 27 साल का होना चाहिए। तो ये जो डेट है दिया गया उन्हीं के बीच में आप लोगों का जन्म होना चाहिए, बोर्न हुआ होना चाहिए। तो यही अपडेट आया हुआ है, कोरिएंटम आया हुआ है। तो जितने भी कैंडिडेट्स हैं जो कि 22 मार्च को इसका नोटिस आ गया है एग्जाम फॉर्म फिलअप करने का, तो यहाँ पर ये जो डेट है उसके हिसाब से आप लोग फॉर्म फिलअप कर लेंगे। तो यहाँ पे सारी चीज़ों को ध्यान में देंगे आप लोग, और यहाँ पे जो आप डेट्स देख सकते हैं वो 24/3/2022 का है। तो यही एक नया और इम्पोर्टेंट नोटिस मल्टीटास्किंग एग्जामिनेशन 2021 को लेकर के है। तो यही SSC की ओर से जारी किया गया कोरिएंटम में। तो आप लोग सारी चीज़ों को ध्यान रखेंगे और फॉर्म फिलअप प्रारंभ कर दें, स्टार्ट कर दें, क्योंकि ये एग्ज़ाम भी अब होने ही वाला है।